अच्छा ये आपको पता है जो मेरी होस्ट है वो बहुत अच्छा गाती है तो अब ये गाने जा रही हैं तो प्लीज गाएं आप कुछ सुनाएं हमें किसके अपनी आवाज में दाऊद से अच्छा गाइएगा बस कोई बात बिगड़
हूँ जब मुझे मुश्किल पड़ती है ना, फराज ही मेरे काम आते हैं। मैं फराज को यह बुलाना चाहूंगी कि वो कुछ अल्फाज हमें बताएं अपने बगी के सफर के बारे में। फराज के लिए दो तालियां। यार उसने इतना प्यारा गाना गाया, क्लैपिंग की आवाज नहीं आई मुझे। चलो यार, मोहब्बत और मौत में किसी का जोर नहीं चलता, ठीक है? नहीं, मेरी स्पीच है ना, सॉरी सॉरी यार। कैसे भाई सारे सारे बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं काफी। ओए गाना सुनोगे सारे चले जाओगे, तो मेरा गाना रहने दो। यह तो काफी आवाम है जो मुझे जानती है और काफी ज्यादा आवाम है जो मुझे पहचानती है, राइट? कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओए बोलो तो सही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रौला इधर ही है, इधर मेरा से लाशें बिछाई हुई हैं। खैर, इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट यार, और जो अभी तरह के परफॉर्म करते हैं ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हंसी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इट्स फाइन, हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा। वी शुड क्लैप ताकि अगला बंदा एनर्जेटिक हो जाए। यू डिड वेरी गुड फॉर यू डिड ग्रेट। मैंने माइक फेंकना पैसे लगे नहीं। थैंक यू सो मच फराज। अदनान भाई, रजा भाई, रजा भाई सारे आ जाएं आप। अब मैं अदनान सर, गुप्ता आप भी आ जाएं। रजा सर, मैं अंशु गुप्ता, रजा भाई आप ही हैं, सबको बुलाना चाहिए। प्लीज कम, जोर दार जोर कर सकते हैं आप तो। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। अच्छा अदनान भाई प्लीज आप कुछ बोलें। हेलो, हाँ जी, सलाम अलैकुम सबको। वाह यार माशाल्लाह, मैं हैरान हूँ। एक तो सबसे पहले ये देख के कि वी ग्रोन सो मच। एक जर्नी थी जो स्टार्ट हुई थी शायद 2017 की बात है। इट वाज सोली फर्स्ट मी एंड देन राजा जॉइंड एंड देन दीज आर द गाइस, दीज आर द पायनियर्स। तो तीन चार लोगों से एक छोटे से रूम में ये सब स्टार्ट हुआ था। एंड वही मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि शायद ये तीन चार साल मैक्सिमम, मेरे ख्याल में 5 साल का सफ़र है कि हम इतनी ज़्यादा तादाद में सब लोग बैठे हुए हैं। एंड ये ऐसा है कि ये सोली मेरी मेहनत नहीं है, ना मैं क्रेडिट लूँगा इस चीज़ का। ये सब लोग, आप लोग स्पेशली और ये पायनियर्स जो हैं, इन लोगों की बहुत मेहनत है पीछे, बहुत ज़्यादा एफर्ट है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ आज अरेंज हुआ हुआ है या सब कुछ इस स्टेज पे हम पहुँचे हैं। ये फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा। हम ग्रो कर रहे हैं और माशाल्लाह जिस स्पीड से पिछले 3-4 माह में या 5 माह में स्पेशली जो ग्रोथ हुई है, आई थिंक वी डबल्ड ओवर सेल्फ इन पास्ट 6 मंथ्स। तो तकरीबन 40-45 लोग थे 6-7 माह पहले, और अब हम ऑलमोस्ट रीचिंग 100। तो ग्रोथ है, थैंक यू सो मच। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, लिटरली शायद आपको डायरेक्ट अप्रिसिएशन तो मिलती ही होंगी अपने टीयर्स वगैरह से या मैनेजर से। एक और अप्रिसिएशन होती है जो पिछले बिल्कुल बैकएंड से आ रही होती है और वो डायरेक्टली यहाँ हो रही है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप सबकी मेहनत का अल्टीमेट क्रेडिट मुझे मिलता तो ज़रूर है, लेकिन वट एवर आई एम, वट एवर द कंपनी इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच आपका स्पेशली शगुफ्ता आतिफ है यहाँ पे, हमारे जो इधर डाइस पे खड़े हैं दोनों, इनका और बाकी जो लोग भी इस अरेंजमेंट में जिन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है, बिलाल है, फैसल है, गाजी का रोल है बीच में, इन लोगों ने ये सब कुछ अरेंज किया है। शाहनवाज हैं स्पेशली, उनको कभी ना भूला करें, ही इज़ द मेन गाय जो हम सबके लिए इंजॉल देते हैं। ये रब नवाज हो गया, मोस्ट टैलेंटेड गाय हो पता नहीं किधर है। तो ये सब लोग, इन लोगों के पीछे मेहनत है, और हम लोग जो भी रेंज होता है वी
आई थिंक एक दूसरे स्पेक्ट में हम सबको इन लोगों की स्पेशली जो एक तो जैनिटर स्टाफ है, जो एडमिन के लोग हैं, इन लोगों की बहुत मेहनत होती है सब कुछ अरेंज करने में। तो प्लीज़ जब भी इनसे बात हो एक रिस्पेक्टफुल वे में बात होनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से इनको ट्रीट किया जाए ताकि ये फील करें कि हम लोग हिस्सा हैं इस कंपनी में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कॉपी एंड देन पेस्ट जो भी अफरान ने बोला, एग्जैक्टली वी आर ग्रोन सो मच और बहुत अच्छा लग रहा है। ये 4-5 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं और काफ़ी खूबसूरत लोग मिले हैं और ज़्यादा मिले हैं। नाम नहीं लेना। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी बहुत हर्डल्स आते हैं बीच में, जब नज़र आता है कुछ लोगों के ग्रजेस हैं आपस में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो ख़त्म करें, इस तरह की कोई चीज़ ना रखें, क्योंकि ये इवेंट्स, ये चीज़ें, ये हंसी मजाक इसी तरह चलता रहेगा आगे भी। और थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता, और ये जो होस्ट किया आपने और ये जो एक प्ले किया यहाँ पे, इसके लिए बड़ा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई मीन मैं पता है आप सब लोगों को मैं वेकेशंस पे हूँ और मैं बहुत पक गया था और बहुत बिजी था, स्केड्यूल बहुत टफ था, यहाँ पे आया हूँ तो सुकून मिला थोड़ा सा एक्चुअली में। तो बस ये है कि राजा के हिस्से का मेरे जगह बोल दो तो एवरी सेकेंड गाय फॉर श्योर इज इन राजा। हर दूसरा लड़का राजा नहीं होता, मधु ये ले। थैंक यू राजा, थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑर्गेनाइज दिस ब्यूटीफुल इवेंट। सेकेंडली, हम इस स्टेज पे जो पहुँचे हैं, यहाँ पर 5 साल की जर्नी है और हम जो यहाँ पे पहुँचे हैं वो सब आप लोगों की वजह से है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बगी, कीप अप डूइंग द हार्ड वर्क और लेट्स ग्रो मोर टुगेदर। थैंक्स। थैंक यू राजा भाई। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। तो आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने सारे काम को छोड़ के यहाँ पे आए हो और डेफिनेटली कंपनी के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब वो बिल्कुल ग्राउंड से लेके इस लेवल पर आ जाती है कि हम सब मिलके बैठते हैं और एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरी सबसे पहले तो अदनान भाई और बाकी हमारे रजा भाई हैं, राजा भाई हैं, फराज भाई, इन सबको मुबारकबाद है कि हम इस लेवल पर ग्रो कर चुके हैं कि हम अपने आप को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हैं। एंड मेरी जहाँ तक ताल्लुक है इस कंपनी को ज्वाइन करने का तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, पर इस छोटे से वक्त में मैं आप लोगों को अपनी फैमिली ही कंसीडर करती हूँ और आप लोग मेरे बहन भाइयों और बच्चों की तरह हूँ। इसलिए कभी आपकी कोई कंप्लेन हो, कोई मसला हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हल करें एंड इसी तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि आप लोग अपने हेक्टिक वर्क को थोड़ा सा लाइट फील करो। एंड जहाँ तक ताल्लुक है बाकी मेरे टीम का, आतिफ का, बिलाल का, फैसल का, रब नवाज, शाह नवाज, साकिब, उनके बच्चे, दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्कर और उनकी वजह से ही कोई भी इवेंट सक्सेसफुल होता है। एंड प्लीज़ गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब थोड़ी सी एक दो इवेंट में और मज़ीद रंग आएंगे, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे और आई होप कि नेक्स्ट आने वाला जो ईयर है उसमें इससे भी बड़ा हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें। और इसके बाद हमारी सबसे प्यारी जो मैनेजर हैं, जो थोड़ी सी शायद भी हैं लेकिन वो अपने कुछ खूबसूरत अल्फाज पेश करेंगी और मैं चाहती हूँ कि आप उनका खैर मकदम करें प्लीज़। Gonna start and again copy paste what they all said. Been a year and a half here, or बहुत जल्दी ज़्यादा grow किए individually भी with all their support and specifically the team I have sitting here. It's been an amazing journey, or I hope I get to see more years with all of you guys here. Just gonna say this bit much. Thank you. Thank you, John.
अच्छा होस्ट कहाँ गए, बड़ी मेहरबानी आप दोनों का भी और सारे बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने भी काफी मेहनत की है इंक्लूडिंग मी. तो ओवर टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच सर, आप प्लीज इवेंट अब आगे बढ़ता है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. जी फराज भाई बिल्कुल रोटी भी खाने अभी थोड़ी देर में करते हैं. हाँ हाँ सेगमेंट कर लेते हैं. हाँ मैं